हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एच टू स्टडी चैनल में। देखिए, आज हम लोग बात करते हैं बिहार पॉलिटेक्निक के बारे में, ठीक है ना। आज हम लोग बात करते हैं बिहार पॉलिटेक्निक के ऊपर। और देखिए, बिहार पॉलिटेक्निक में आज हम लोग चर्चा करेंगे जो बिहार पॉलिटेक्निक का जो टॉप कॉलेज है, ठीक है, टॉप कॉलेज है, उस टॉप कॉलेज में जाने के लिए आपको रैंक कितना लाना होगा, ठीक है। और वो जो टॉप कॉलेज है, वो टॉप कॉलेज कौन कौन है, ठीक है। और वो जो टॉप कॉलेज है, उस टॉप कॉलेज में टोटल सीटें कितनी है, ठीक है, टोटल सीट कितनी है, टोटल आखिर टोटल सीट है। और साथ साथ में जो टॉप कॉलेज है, उस टॉप कॉलेज में ब्रांच कौन कौन सा है, ठीक है ना। तो देखिए, मात्र आज हम जो टॉप 10 और टॉप 5 के बारे में नहीं बात करेंगे, ओनली फॉर टॉप 2 के बारे में बात करेंगे, ओनली फॉर टॉप 2 कॉलेज के बारे में बात करेंगे। तो सभी लोग आ जाइए, तो और सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। पहले हम आप लोगों को पूरा एनालिसिस करवा दे रहे हैं, इसके बाद हम आप लोगों को एक एक करके बताएंगे। और आप लोग का भी अगर कुछ डाउट होगा तो आप लोग का डाउट लेंगे ना, तो ठीक है। तो चलिए, देखिए आप लोग भी समझ रहे हैं कि देखिए बिहार बिहार स्टेट में पॉलिटेक्निक के लिए 43 से 44 कॉलेजे हैं, ठीक है। उसमें से हम लोग केवल और केवल आज 2 कॉलेज के बारे में बात करेंगे जो टॉप 2 के अंतर्गत, यानी टॉप 10 के अंतर्गत वो दोनों कॉलेज आती है। वो दोनों कॉलेज में देखिए कौन कौन सा वो दोनों कॉलेज है। उस दोनों कॉलेज में से फर्स्ट कॉलेज पे हम लोग का आता है एनजीपी पटना, ठीक है ना। पहला टॉप पे हम लोग का आता है एनजीपी पटना, जिसका पूरा नाम न्यू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना है, ठीक है। और इस और देखिए, जो फ्यूचर के लिए, जो फ्यूचर में पॉलिटेक्निक के लिए प्लानिंग कर रहे हैं ना, उन लोग के लिए ये वीडियो जाए कि अगर आप फ्यूचर में टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, टॉप कॉलेज से पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, तो आप लोग के लिए भी ये बेहतर है, ठीक है ना। तो आप लोग भी एक दिमाग में बैठा लीजिएगा कि हाँ, हमको इस अनुसार मेहनत करना है, तो जाए तो हम वहां पे जाकर आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, 2 कॉलेज के बारे में बात करते हैं आज हम। एनजीपी पटना के बारे में, एनजीपी पटना 13 के बारे में बात करेंगे, और फिर जीपी पटना 7 के बारे में बात करेंगे। यानी 2 कॉलेज के बारे में बात करते हैं, एक पटना 13 और एक पटना 7 के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, पटना 13 और पटना 7, सबसे पहले पटना 13 और पटना 7, यही 2 है, फर्स्ट और सेकेंड, पटना 13 पटना 7। अब देखिए, पटना 13 के अंतर्गत अगर आप देखते हैं अच्छे से, तो आपके यहाँ आप ध्यान से देखिएगा ना, तो आपको देखिएगा एनजीपी पटना 13 में फर्स्ट पे है सिविल ब्रांच। और मैक्सिमम लोग यही चाहते हैं ना कि हमको पटना 13 में सिविल ब्रांच मिल जाए, ठीक है। इसमें पहले देख लेते हैं कौन कौन सा ब्रांच है। सो तो सिविल इंजीनियरिंग देखने को मिलेगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग देखने को मिलेगा। और एक देखिए, ध्यान रखिए, ध्यान रखिएगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल एक होती है, ठीक है ना। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल भी देखने को मिलेगा इस कॉलेज में, एनजीपी पटना में। और साथ में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच भी देखने को मिलेगा। ये जो ब्रांचे हैं, ये ब्रांच आपको एनजीपी पटना में देखने को मिलेगा, पटना 13, केवल एनजीपी नहीं, एनजीपी पटना 13, यानी 1 2 3 4 5 6 6 ब्रांच आपको देखने को मिला। और देखिए, प्रत्येक ब्रांच में आपका 60-60 सीटें हैं, प्रत्येक ब्रांच में आपका 60-60 सीटें हैं। केवल और केवल ऑटोमोबाइल में ओनली फॉर 30 सीटें हैं। टोटल सीट देखिएगा तो टोटल सीट आपको 330 देखने को मिलेगा। टोटल सीटें कितना देखने को मिलेगी, 330 सीट देखने को मिलेगी टोटल सीटें। ये कहाँ पे है, ये पटना 13 में है। अब इसी अनुसार देखा जाए तो आपको नीचे पटना 7 भी देखने को मिलेगा। पहले दोनों को देख लेते हैं, इसके बाद एनालिसिस करते रहे। अब देखिए, जब आप पटना 7 में जाइएगा, जब आप पटना 7 में जाइएगा, तो पटना 7 में थोड़ा सा कॉलेजों की संख्या ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है ना। इसमें आप लोगों को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग देखने को मिलेगा, जो फर्स्ट वाला में भी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी देखने को मिलेगा। इसमें देखिए, ये एक नया ब्रांच है सेरामिक इंजीनियरिंग, ये सेरामिक इंजीनियरिंग है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जान रहे हैं, इसमें एक और नया देखने को मिलेगा, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है एक। फिर इसमें एक और नया देखने को मिलेगा, प्रिंटिंग इंजीनियरिंग देखने को मिलेगा। फिर सिविल इंजीनियरिंग है ही, इसके बाद आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग देखने को मिलेगा। इसमें आप लोग ध्यान रखिए, प्रिंटिंग इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, सेरामिक इंजीनियरिंग, इसमें केवल और केवल 30-30 सीटें हैं। अगर सेकेंड वाला देखा जाए, एनजीपी सॉरी जीपी सेट जीपी 7 में देखा जाए, जीपी पटना 7 में, इसमें आपका 390 सीटें मिल रही है टोटल मिलाकर।
टोटल मिलाकर 390 सेकेंड वाला में है, यानी पटना 7 में है, और 330 फर्स्ट में है, यानी 390 अगर हम लोग को चेक किया जाए तो 390 और 330 देखा जाए तो टोटल कितना आ रही है, 0, 9, 3, 12 के 2, 3 और 3 और 1, 6, 7, यानी 720 गो टोटल सीटें हैं दो कॉलेज मिलाकर। और आप लोग यहां से अब मेरे से पूछते हैं कि सर मेरा इतना रैंक है, इतना रैंक है, क्या मेरे को एनजीपी पटना में, एनजीपी पटना 13 में या पटना 7 में मेरे को सिविल ब्रांच मिल जाएगा? तो देखिए 13 और 7 दोनों मिला के सिविल के लिए 120 मात्र सीटें हैं, ठीक है ना, मात्र 120 सीटें हैं। और अगर आपका रैंक, अब यहां से डिसाइड होगा कि आपका रैंक कितना आया है और कितना रैंक लाइएगा तब जाके ये सब कॉलेज देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो देखिए टोटल 720 है, अगर आप पटना 13 और पटना 7 में कोई भी ब्रांच के साथ अगर आप आना चाहते हैं, अगर पटना 13, ध्यान रखिएगा जो फ्यूचर में भी प्लानिंग कर रहे हैं पॉलिटेक्निक करने के लिए उन लोगों के लिए भी बता दे रहे हैं, अगर आप पटना 13 और पटना 7 में अगर आप कोई भी ब्रांच के साथ आना चाहते हैं तो आपको अंडर में, आपको अंडर 1000 के अंदर में रैंक लाना होगा, वो भी यूआर रैंक। क्यों 1000 के अंदर हम बोल रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि सब पटना 13 और पटना 7 में ही पहले जाते हैं, और बहुत और कॉलेज हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं बोलते हैं नहीं हमको नजदीक वाला कॉलेज लेना है, तो वे लोग नजदीक वाले चले जाते हैं। जो नजदीक वाले चले गए तो वहां पे सीटवा तो बचता है, ये जो 1000 के अंडर में आ रहा है वो तो अब खाली होगा, वो सब कहाँ घुसेंगे, 13 में घुसेंगे और 7 में घुसेंगे, ठीक है। ये तो हो गया अगर कोई भी ब्रांच के साथ अगर आप आना चाहते इस दोनों कॉलेज में तब, और अगर केवल और केवल आप सिविल के साथ आना चाहते हैं कि हाँ मेरे को एनजीपी पटना तभी लेंगे जब मेरे को वहां पे सिविल ब्रांच मिले, जीपी पटना 7 हम तभी लेंगे जब वहां पे मेरे को सिविल ब्रांच मिले, तो सिविल के लिए मात्र आपके पास 120 सीटें हैं, सिविल के लिए मात्र आपके पास 120 सीटें हैं, ध्यान रखिएगा केवल और केवल 120 सीटें हैं। अब 120 सीट के अंदर में अब आपको रहना, अब सोच लीजिए आप 120 सीटें हैं और आप कितना रैंक लाइएगा तब जाकर आपको सिविल मिलेगा, तो सिविल ब्रांच के लिए कम से कम आपको अंडर में रहना होगा, अंडर रहना होगा 400 से 500 रैंक के अंदर में, ये यूआर मिलेगा, और ये भी एक मतलब हाईएस्ट है, इससे अंडर में रहना होगा, 400 से 500 के अंडर में रह के आपको काम करना होगा, उतना तक रैंक लाना होगा तब जाके पटना 13 और तब जाके पटना 7 मिलेगा 400 से 500, क्योंकि यहाँ पे भी है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मैकेनिकल की ओर भागते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इलेक्ट्रिकल की ओर भागेंगे, कंप्यूटर की ओर भागेंगे, तो वहां पे सीट खाली होती है, और साथ साथ और अदर कॉलेज में भी जाना चाहते हैं और स्टूडेंट लोग, तो अदर कॉलेज में स्टूडेंट लोग जाना चाहते हैं तो वहां पे सीट बचती है, तो सीट बचेगी तो वो वाला सीटवा कहाँ भरेगा, वो वाला सीटवा यहाँ पे आएगा पटना में। तो आप लोगों को मतलब कि 400 से 500 के अंदर में, इसके अंदर में आपको यूआर रैंक लाना होगा, यूआर रैंक, तब जाकर आप लोगों को सिविल ब्रांच एनजीपी पटना 13 और एनजीपी पटना 13 और जीपी पटना 7 में आपको सीटें देखने को मिलेगी केवल और केवल सिविल ब्रांच, ठीक है ना, यही है। अब इसमें बोलेंगे सर कैटेगरी, तो देखिए शुरुआत में कैटेगरी उतना मायने नहीं रखता, शुरुआत में जिसका अच्छा यूआर रैंक है उसके अनुसार वो कॉलेज में घूम जाता है, ठीक है ना। तो शुरुआत में आपका रैंक अच्छा आना चाहिए, अगर शुरुआत में आपका रैंक अच्छा आ गया तो आप आराम से एनजीपी पटना 13 में या फिर जीपी पटना 7 में आप आराम से पहुंच सकते हैं। अब इसमें से कुछ कुछ यहाँ से समस्या होगी, अब बोलिएगा कि यहाँ पे कुछ कुछ नया नया ब्रांचें देखने को मिल रही है, जैसे एक सिरामिक इंजीनियरिंग है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है, प्रिंटिंग इंजीनियरिंग है, तो ये सब में देखिए ये सब में सीटें कम है, इसका मतलब समझिए कि थोड़ा सा इन लोगों का ना मांग कम रहती है, लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं है क्योंकि इससे ना बहुत कम लोग पॉलिटेक्निक करते हैं, और जो लोग पॉलिटेक्निक कर लेते हैं वे लोग कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाते हैं, जैसे सिरामिक इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, ये सब का भी डिमांड है, ऐसा नहीं है कि डिमांड नहीं है, डिमांड है जो इस सब से, क्योंकि ये सब तो एक कोर ब्रांच है, ये सब तो हमेशा चलते रहती है, और ये जो सिरामिक इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, प्रिंटिंग इंजीनियरिंग, ये जो इंजीनियरिंग है ये भी अच्छा है, ये खराब नहीं है, ये भी अच्छा है, अगर आप इससे करना चाहें ना तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करेगा, अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है तो आप कर सकते हैं,
आप कहीं ना कहीं आराम से चले जाइएगा, आपको कहीं ना कहीं प्लेसमेंट हो जाएगी इसका, सेरामिक इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, प्रिंटिंग इंजीनियरिंग से। ठीक है, आई होप आप लोगों को जो भी डाटा देनी थी डाटा आप लोग हम दे चुके हैं। एनजीपी पटना और एनजीपी साथ देख लीजिए, एनजीपी पटना और एनजीपी साथ में टोटल सीटें कितनी कितनी है, सो इसी के अनुसार आपको रैंक लाना होगा। रैंक लाइए अच्छा से और आप आराम से सिविल ब्रांच के अंतर्गत अंदर में आ सकते हैं। ये तो हुई मेरा एनालिसिस, आप लोग का कुछ कुछ डाउट हैं तो आप लोग का हम डाउट लेते हैं, और अब आप लोग का कुछ कुछ बताते हैं। एक पूछते हैं एसके स्टडी वाला कि मेरा यूआरएन 399 और बीसी 800 है, तो पटना 13 या पटना 7? हाँ बिल्कुल मिल जाएगी आपको पटना 13 या पटना 7 में, इलेक्ट्रिकल या सिविल एकदम कंफर्म रहिए, एकदम कंफर्म आपको मिल जाएगी। देखिए यही हम बोलना चाह रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट है ना जो कोई इलेक्ट्रिकल लेना चाहते हैं, कोई मैकेनिकल लेना चाहते हैं, और शुरुआत में ऐसा नहीं है कि कोई पटना 13 या पटना 7 में ही आएंगे, और दूसरा कॉलेज में भी स्टूडेंट जाते हैं जो नजदीक वाला पढ़ता है, तो नजदीक वाला में चले जाते हैं, नजदीक वाला में चले जाते हैं, तो फिर पटना और 7 जो 13 और 7 है यहाँ वाला सीट वह बचेगा, तो फिर अदर स्टूडेंट यहाँ पे आके आराम से भर जाते हैं, आराम से यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, आपको एकदम मिल जाएगी फिक्स। सर रैंक 29 है सिविल मिलेगा सिवान में, एकदम क्रिश ठाकुर बिल्कुल मिल जाएगी आपको जीपी सिवान में, बिल्कुल मिल जाएगी। तो आपका रैंक 29 है तो आप तो पटना और साथ छोड़ दीजिएगा, तो आप दूसरा कॉलेज में। यही बात हम बोल रहे हैं कि जो लोगों के 1000 के अंडर में है वे पटना 13 और पटना 7 में आप कोई भी ब्रांच के साथ आराम से एडमिशन ले सकते हैं, और जिन लोगों को अंडर 400 से 500 के अंडर में है वे लोग अगर आप लोग सिविल लेना चाहते हैं तो 13 और 7 में आराम से आप सिविल लेकर कर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, अब यहां से जिन लोगों का 1200 1500 1800 वे लोगों को ना, उन लोगों को चांसेस कम बनती है पटना और साथ। ना ऐसा नहीं कि सिविल ब्रांच नहीं मिलेगी, मिलेगी आपको भी सिविल ब्रांच मिलेगी, लेकिन फिर अदर कॉलेज में जाना होगा। अदर कॉलेज के बारे में भी हम आप लोग से एनालिसिस कर देंगे, एक एक करके पूरा डिटेल से बता देंगे। तो आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा, टॉप 2 कॉलेज के बारे में हम आप लोगों को अच्छे से बता दिया। पटना में एक और कॉलेज है जो गर्ल्स कॉलेज है, उसमें सिविल ब्रांच नहीं है, तो उसके बारे में भी फिर हम लोग चर्चा करेंगे। और आप लोगों को अगर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। सर यूआर में 933 है पटना सिविल मिलेगा। देखिए यूआर में 933 है पटना सिविल, चांस है लेकिन 100% नहीं कहा जा सकता। अगर जो आपसे पहले वाले स्टूडेंट होंगे वो शायद नजदीक कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो उन लोग अगर नजदीक कॉलेज में चले जाएंगे तो आपको सिविल मिल जाएगा, ऐसे चांस है। आशा मत छोड़िए, पूरा मतलब आस लगाए हुए रखिए कि हाँ हमको मिलेगा, उम्मीद नहीं छोड़ना है ना, उम्मीद नहीं छोड़ना, क्योंकि पूरा दुनिया उम्मीद पे ही कायम है, तो उम्मीद नहीं छोड़ना है। ठीक है। सर यूआर है 246 से मिल जाएगा? हाँ एकदम बिल्कुल मिल जाएगा, यूआर 246 से बिल्कुल आपको मिल जाएगा। सर झारखंड के लिए? हाँ ठीक है, आएंगे झारखंड के लिए भी, उन लोग के बारे आप लोग के बारे में भी बात करेंगे। सर युवा रैंक है 322 है, भागलपुर मिलेगा? बिल्कुल आपको भागलपुर मिल जाएगा, 322 युवा है तो फिर आप तो बहुत अच्छा रैंक है आपका, आप आराम से वहां पे आपको मिल जाएगी, आप आराम से चले जा सकते हैं। सर मेरा रैंक युवा है 84 है, सिविल मिल जाएगी? बिल्कुल सिविल मिल जाएगी आपको, 84 है बिल्कुल सिविल मिल जाएगी आपको। सर मेरा यूआर है 159 है, बीसी 81 है सर, पटना 13 में सिविल बिल्कुल मिल जाएगी आपको, पटना 13 में बिल्कुल मिल जाएगी। देखिए जो हम आप लोग के एनालिसिस करके बता दिए ना, उस एनालिसिस को आप लोग ध्यान में रखिएगा, उतना आपके लिए काफी है, उतना रैंक के अंतर आ रहे हैं आप, तो आप आराम से श्योर रहिए आपको वहां तक पहुंचा देगा पटना 13 और पटना 7 में। ठीक है ना। ऋतिक राज बोलते सर मेरा यूआर रैंक 6084 है, सिविल गया में मिलेगा? बीसी रैंक 2007? हाँ मिल जाएगी सिविल आपको, मिल जाएगी कोई नहीं। अब ऐसा आप यहाँ पे ये मत कर दीजिए ना कि हमको मतलब कि गया में ही जाना,
आप ओवरऑल, क्योंकि आपका रैंक थोड़ा सा ज्यादा है, 6,000 तक रैंक है, तो सिविल के लिए आपकर आपको ओवरऑल बिहार में कहीं पे भी मिले तो आप वहां पे एक्सेप्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना, अगर सिविल से आप करना चाहते हैं तो। सर मेरा यूआर रैंक है 1100 है और ईबीसी में 323 है, पटना सात में सिविल मिल जाएगी। आपका रैंक 1100 है, देखिए चांस है, फुल्ली नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आपको हम सीटें दिखा दिए हैं, यहाँ पे सीटें दिखा दिए, और सबका चॉइस रहता है ना कि हम टॉप कॉलेज में ही जाए, तो चांस है आपका भी, कम से कम 25 से 80% चांसेस है, लेकिन 20% नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, उम्मीद रखना है, काउंसलिंग करना है, काउंसलिंग में डालना है, पटना 13 भी डालना है, पटना सात भी डालना है, और सिविल के साथ डालना है, ठीक है, तो मिलेगी। ठीक है, बस इस लेक्चर को यहीं तक, इसको ज्यादा बड़ा नहीं करते, तो आई होप आप लोगों को पटना 13 और फिर पटना सात का फुल जानकारी आप लोगों को पता चल गया। फिर हम लोग लाइव अभी बात करेंगे, और अभी डाटा है, और डाटा के बारे में हम लोग पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे, और छोटी छोटी जो जो भी आप लोगों को जानकारी देना है, हम एक एक करके कोशिश करेंगे कि आप लोगों को पूरा जानकारी दे दे, ताकि जो छोटा छोटा प्रॉब्लम्स है वो सब प्रॉब्लम्स दिमाग में ना बैठा रहे, ठीक है। तो आप लोग जरूर नीचे कमेंट करके एक बार बताइएगा कि आपका रैंक कितना आ रहा है, क्या आप एनजीपी पटना 13 में जा सकते हैं, या फिर आप जीपी पटना 7 में जा सकते हैं, इसके बारे में जरूर आप नीचे एक बार कमेंट करके बताइएगा कि आपका रैंक कितना आया था, या जो भी फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोगों को सपना रहता है कि नहीं सर हमको पटना 13 ही चाहिए, उसके लिए हम पूरा दिन रात मेहनत करेंगे, पटना 7 ही चाहिए। तो जो लोग फ्यूचर में आप प्लानिंग करना चाह रहे हैं पॉलिटेक्निक करने के लिए, पटना 13 और पटना 7 से, तो आप लोग के लिए भी एक ओवरव्यू पता चल गया है कि सीटें यही है, सीटें जो है सीटें बढ़ती घटती नहीं है, सीटें जो है यही सीटें है आप लोगों को, अब इसी के अनुसार आपको मेहनत करना, और मेहनत करके पटना 7 और फिर पटना 13 में आ जाना है, ठीक है। बस थैंक यू, बाय।